हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी के जो सवालात होते हैं उनके जवाब ढूंढने की क्वेस्ट है। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने अलग अलग पहलू हैं वो पहलू समझने की क्वेस्ट है। मैन वुमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, उनकी गहराई को और समझने की क्वेस्ट है। एक तो मैं बताना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, कंटेंट में बोल्ड है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए बहुत बोल्ड सीन्स होंगे इसमें, बट कंटेंट वाइज इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म। और अमोल पालेकर ऑल फिल्म्स इससे पहले जो उन्होंने बनाई हैं वो सारी फिल्में एक अलग किस्म की फिल्में हैं, जिसमें आपको कुछ एक अलग सोच मिलती है, एक नई दिशा मिलती है, उसका कंटेंट अलग होता है और ही हैज़ हिज ओन ऑडियंस आई मस्ट से। लेकिन इस फिल्म के द्वारा मुझे लगता है कि वी कैन रीच टू लार्जर ऑडियंस। मैं इस फिल्म में एक एडवोकेट का रोल अदा कर रही हूँ, सई कारखानिस, जो कि बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन में है। उनके जो हस्बैंड हैं वो एक शेफ हैं और आजकल की भागदौड़ में हम लोग ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। मतलब हम चाहते तो है जीना एक दूसरे के साथ, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि हर इशू हम डीले करते जाते हैं कि बोलते हैं कि नहीं आज नहीं, अभी दो दिन के बाद, चार दिन के बाद, छः दिन के बाद, और उसमें कई अहम चीज़ें ज़िंदगी में जो हमें करनी है, जो करना चाहते हैं हम, वो पीछे हट जाती है। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा इशू हो जाता है जो बहुत बड़ा इशू आता है, तब हम एक रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं हमारे हाथ से। सई कारखानिस की लाइफ में ऐसे ही होता है। एक दिन उसको पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड किसी और मर्द के साथ उनकी रिलेशनशिप्स हैं, एक तो हिल जाती है। बीइंग एन एडवोकेट उसने कई सारी ऐसी केसेस चलाई हैं, किसी और के लिए वो लड़ी हैं, लेकिन खुद की लाइफ में जब ये होता है तो वो हिल जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो समाज का डर होता है, फैमिली का डर होता है, दोस्तों का डर होता है, बच्चा है घर में उसको क्या बताएं, एड्स जैसे मतलब कई सारी बीमारियां उससे जुड़ी हुई है, तो कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिसके बारे में हम खुल के बातें नहीं करते हैं। तो इस फिल्म के द्वारा मुझे लगता है कि हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़, जो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ हो गई तो क्या क्या हो सकता है उसकी लाइफ में, कितनी कितना प्रॉब्लम ये कितना बड़ा हो सकता है, ये कैसे डील कर सकते हैं, ये डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की ये कोशिश है। बेसिकली इट इज़ ऑन मैन वुमन रिलेशनशिप। मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है सई कारखानिस, जो बम्बई हाईकोर्ट में एडवोकेट है, और उनके हस्बैंड है आदित्य, जो फाइव स्टार होटल में शेफ का काम करते हैं। तो इन दोनों प्रोफेशनल यंग कपल ऑफ मुंबई, जिनकी लाइफ अपने प्रोफेशनल डिमांड्स, आज की हेक्टिक लाइफ, ये सब, ये इसके बारे में हम लोग उसकी टेंशन्स को भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। साथ साथ ये भी खोजने की कोशिश की है इसमें कि जब सई को पता चलता है कि आदित्य के समलिंगी संबंध हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप ही इज़ हैविंग, तो क्या होता है, हाउ डज शी डील विद दैट, हाउ डज शी डील विद लाइफ, हाउ डज आदित्य डील विथ ऑल द थिंग्स, सई की माँ है वो किस तरह से इसके साथ डील करती है, आदित्य के पिताजी हैं वो किस तरह से डील करते हैं, उनके इर्द गिर्द नज़दीकी जो करीबी दोस्त हैं वो कैसे डील करते हैं, ये सब हम फिल्म में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। माय कैरेक्टर इन द फिल्म इज दैट ऑफ अ होमोसेक्सुअल। आई कम इन टू द लाइव्स ऑफ अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल एंड प्रोबेबली डिस्टर्ब देयर मैरिड लाइफ। इट इज नॉट अ टिपिकल होमोसेक्सुअल that you would probably see in a film or on stage or with the mannerisms. I have never done any of those mannerisms. I have played it purely as a normal human being. I am a normal human being. Yes, I have fallen in love with another man. That's about it. नहीं, मैं एक उल्टा सवाल आपसे कर सकता हूँ कि मतलब ये कुछ बहुत ही कम चीज़ है फेस्टिवल में दिखाई। जब हमारे मेन स्ट्रीम की फिल्में फेस्टिवल में जाती हैं तो हम लोग क्यों टम टम करते हैं, फिर तब फेस्टिवल सडनली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए,
और इस तरह की फिल्मों के लिए फेस्टिवल में जाना, और ये फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं? इस तरह का अलग फिल्म है जो मेन स्ट्रीम, नॉन मेन स्ट्रीम है, मसाला फिल्म नहीं है, वो जब फेस्टिवल में जाती हैं तो वी लुक डाउन अपॉन इट। जब मसाला फिल्म फेस्टिवल में जाती है तो उसका बड़ा तामझाम किया जाता है और हम लोग कहते हैं कि अरे वो तो उस फेस्टिवल में गई, वो तो कान में गई। कान तो मार्केटिंग फेस्टिवल ही है, तो कान में गई तो कौन से तारे तोड़ के लाए हमने? फेस्टिवल में फिल्म जाने के अलग अलग मतलब होते हैं। हर फेस्टिवल का अपना एक कैरेक्टर होता है, हर फेस्टिवल में जो ऑडियंस आती है उसके एक अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, और वहाँ से सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फिल्म के लिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म जब फेस्टिवल में जाती है तो एक इंडियन फिल्म के लिए एक वहाँ एक सम्मान मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी, हमारी इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में लोगों को और थोड़ी जानकारी होती है, ये और एक खुशी की बात है। और तीसरी बात ये खुशी की मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म्स के बारे में भी फॉरेन ऑडियंसिस को और ज़्यादा जानकारी होती है। कई बार ऐसे होता है कि हमको लगता है कि इंडियन फिल्म मतलब सिर्फ बॉलीवुड है, सिर्फ कमर्शियल मसाला सिनेमा इज़ इंडियन फिल्म्स। वो भी है, लेकिन सिर्फ वो इंडियन सिनेमा नहीं है। सत्यजीत रे भी इंडियन सिनेमा है, अधूर गोपाल कृष्णन भी इंडियन सिनेमा है, ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड हाउ रिच द इंडियन सिनेमा इज, इंडियन सिनेमा किस किस तरीके से एक अच्छा काम कर रहा है ये भी लोगों को पता चलता है। तो अगर मेरे सिनेमा के ज़रिए ये होता है वो भी मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक मैं काफ़ी हद तक मेरे राइटर के साथ हूँ कि कोई भी कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी हो, कुछ भी हो, जिनके प्रेफरेंसेस कुछ अलग हैं उनके साथ सेंसिटिवली डील करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ा मज़ा आया काम करने में। माय एक्टर्स हैव गिवन फैसिनेटिंग परफॉर्मेंसेस, बट देन आई ऑलवेज चूज गुड एक्टर्स। इनफैक्ट आई चूज माय एक्टर्स फॉर देयर एक्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। शाहरुख खान को भी मैंने लिया था बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट ही इज़ अ सुपर स्टार वॉज अ बोनस फॉर मी, बट ही वॉज चोजन फॉर हिज एक्टिंग कैपेसिटी। आई हैड चोजन नाना पाटेकर इन थोड़ा सा रोमानी हो जाए बिकॉज नाना इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट ही वॉज अ सुपर स्टार वॉज अ बोनस टू मी। सोनाली बेंद्रे को तो आप लोग कभी किसी ने एक्ट्रेस माना ही नहीं था, जब अनाहत में उसकी परफॉर्मेंस देखी तो सब वो क्या बढ़िया एक्ट्रेस है, हमको मालूम ही नहीं था। तो she was also chosen for her acting capacity, that she is a star and she is such a charming lady was a bonus for me.